पहली बार आप शराब की दुकानों का जो आवंटन है वो ई लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाना था, लेकिन जिस तरह से कल जो है पूरे सूबे की जो दुकानों का आवंटन था वो कहीं ना कहीं रद्द हो गया, जिसके चलते जो तमाम आवंटित थे उनके सामने समस्याएं आई। हमारे साथ खुद मंत्री जी मौजूद हैं, जेपी सिंह साहब, उनसे बात करेंगे। सर, ई लॉटरी सिस्टम लागू किया गया, कल दुकानों का आवंटन होना था, पूरे प्रदेश में जो आवंटी थे वो परेशान हुए, रात तक जो है रद्द करना पड़ा, क्या वजह रही और आगे सर क्या प्रोसेस रहेगा इसमें? ये नई व्यवस्था हम लोग ने लगभग 10-12 साल के बाद आज के तकनीक के अनुसार हमने इसका इस्तेमाल किया। ये पूरा सिस्टम जो बनाया गया हमारे सरकार में NIC के द्वारा ही इसका सॉफ्टवेयर तैयार किया गया और उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा हमने ई लॉटरी कराने का फैसला लिया था। 28 तारीख को जो फॉर्म्स के भरने के दिन था उसमें मैं एक खाली उदाहरण के स्वरूप आपको बता रहा हूँ कि एक मिनट में लगभग 56,000 लोगों ने आवेदन किया और सिस्टम हमारा उस समय पर्याप्त नहीं, उसको झेल नहीं पाया तो इसलिए वो बैठ गया। तो ये एक गंभीर समस्या तो है, मगर एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने का हमने प्रयास किया, आज भी उसमें काम चल ही रहा है। कल ऑक्शन नहीं हो पाया इसके वजह से क्योंकि ये सिस्टम उस समय ठीक नहीं हो पाया था, बहुत लोगों का पेमेंट जो दिखाया अपने खाता से निकल गया था, पेंडिंग चला गया, और अब जब सिस्टम ठीक हो गया तो वो वापस भी आ रहा है। तो उनको भी शामिल करना और अपने जिला के आबकारी अधिकारियों द्वारा पूरा सूची मंगाना कि किसने कितना करा है, हमारे प्रदेश स्तर से शासन स्तर से पर्यवेक्षक भी भेजे गए थे, हर जिले में पर्यवेक्षक का रिपोर्ट भी आई है, DMs की रिपोर्ट भी आई है, सबके रिपोर्ट के आधार पर हम लोग ने इसको समझा कि अभी इसको एक दिन और बैंक के साथ बैठ के और NIC वाले अपने तकनीकी डाटा को सही करते हुए वो करेंगे, तब जल्दी हम दूसरा डेट निकाल के इसका नीलामी का प्रकरण बता देंगे। तो ये थे मंत्री JP सिंह साहब, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से ई लॉटरी सिस्टम जो लागू किया गया है और बहुत जल्द जो गड़बड़ी थी उसको दूर किया जा रहा है और बहुत जल्द जो है तारीख घोषित की जाएगी और जो तमाम आवंटी हैं उनको दुकानों का लाभ दिया जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव साथ, अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।